नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। जुलाई में किसका बढ़ेगा परिवार में प्यार, जुलाई में किसको मिलेगी संपत्ति अपार, जुलाई में किसके रिश्तों में आएगी दरार, जुलाई में कैसा रहेगा आपके परिवार का हाल, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज सिर्फ कालचक्र में। तो जी हां, जुलाई का महीना आपकी आमदनी और कामकाज के लिए कैसा रहेगा ये तो पंडित जी ने आपको बता ही दिया। अब आज बात करेंगे आपके परिवार की। राशि अनुसार जुलाई का महीना आपके परिवार और आपकी मैरिड लाइफ के लिए कैसा बीतेगा, जुलाई में किस फैमिली मेंबर को मिलेगा साथ और किससे बिगड़ सकते हैं आपके रिश्ते, जुलाई में कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ और कैसा बीतेगा आपका पारिवारिक जीवन, यही सब आज बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर है 01206652411। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। जुलाई के महीने में मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी बीतेगी और किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे हो सकता है विवाद, क्या कहती है जुलाई महीने की इनकी फैमिली भविष्यवाणी, ये जानते हैं क्योंकि आज का कालचक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी अगर पर्सनल लाइफ अच्छी हो तो आप बेहतर करते हैं। तो आप जानेंगे देखिए, आज हम परिवार के बारे में बात करेंगे कि जुलाई के महीने में आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, सच बात यह है कि ज्योतिष के बारह भाव जहां शरीर, धन, नौकरी, वाहन, भूमि, भवन, विद्या, रोग, पत्नी, मृत्यु, भाग्य, आजीविका, आमदनी और खर्च को बताते हैं, वहीं ये 12 भाव सारे रिश्तों को भी बताते हैं। ये कैसे? अगर आपकी सेहत को जानना है तो लग्न का बल देख लीजिए, लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों को देख लीजिए। अगर आपके कुटुंब को जानना हो, संयुक्त परिवार को जानना हो, तो आपके द्वितीय भाव और द्वितीय भाव पर पड़ने वाली दृष्टि और द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रहों को देख लीजिए। अगर आपके छोटे भाई बहनों की मूल्यांकन करना है कि छोटे भाई बहनों की संख्या कितनी होगी, छोटे भाई बहन सुखी होंगे दुखी होंगे, तो तृतीय भाव को देख लीजिए। इसी तरह से चौथे भाव को देख लीजिए तो माता का पता चल जाएगा। पांचवें भाव को देख लीजिए तो बेटे और बेटी के बारे में पता चल जाएगा। छठवें भाव को देख लीजिए तो मामा का पता चल जाएगा। सातवें भाव को देख लीजिए तो पत्नी और प्रेमिका का पता चल जाएगा। आठवें भाव को देख लीजिए तो मतलब कि मौसी का पता चल जाएगा, छोटे मामा का पता चल जाएगा। नौवें भाव को देखिए तो आपके पिता का भी पता चलेगा। नौवें भाव को देखिए तो साले और साली का पता चलेगा। दसवें भाव को देखिए तो पिता का पता चलेगा। ग्यारहवें भाव को देखिए तो बड़े भाई और बहू का पता चलेगा, बड़ी बहू का पता चलेगा। बारहवें भाव को देखिए तो चाचा और बुआ का पता चलेगा। तो इस तरह से जिस रिश्ते का मूल्यांकन आपको करना है, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का ट्रांजिट देखें लग्न के अनुसार या राशि के अनुसार, तो आपको जैसे आईने में अपना चेहरा दिखाई देता है, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र के इस फार्मूले पर आपको अपना परिवार दिखाई देगा। बुआ, चाचा, चाची, ताऊ, नाना, नानी, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो ज्योतिष शास्त्र के कैलकुलेशन में ना आता हो, और सबका पता चल जाएगा। संयोग वियोग का भी पता चल जाएगा, बशर्ते उसको गंभीरता पूर्वक धैर्य के साथ देखने की जरूरत होती है, उसमें अनुभव की आवश्यकता होती है। अब जैसे हम मेष राशि की बात कर रहे हैं, तो मेष राशि में महीने की शुरुआत में तो मंगल आपके अपने पहले ही भाव में है,
और आपके द्वितीय भाव कुटुंब भाव में बृहस्पति विराजमान है और कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र अस्त होकर के तृतीय भाव में विराजमान है, तो कहना ये चाहता हूं कि आपके परिवार में थोड़ा सा तनाव की स्थिति तो रहेगी, मामूली तनाव तो आ सकता है। ये कैसे? क्योंकि शुक्र अस्त है, कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र अस्त है। हां, ये बात जरूर समझ में आती है कि चतुर्थ भाव का भी स्वामी शुक्र है और पंचम नवम का इत्थसाल हो रहा है, इसलिए पैतृक सुख मिल सकता है। लेकिन चूंकि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति है और द्वितीय अस्त है, इसलिए पारिवारिक वातावरण में आपको अपने भाषा शैली पर, अपने बातचीत करने के तरीके पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप नियंत्रण नहीं रखेंगे, संयम नहीं रखेंगे, तो परिवार में रिश्ते बेवजह खराब हो सकते हैं। हां, एक बात अच्छी जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये चंद्रमा और शनि की स्थिति, जो आपके माता पिता भाव के स्वामी हैं, तो माता पिता को लेकर के जुलाई के महीने में कम से कम आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 19 जुलाई के बाद घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, आप नई गाड़ी या प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, भाई बहनों से सुख और सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन मेष राशि वालों की लव लाइफ में कुछ दिक्कत आ सकती है। ये इसलिए कह रहा हूं कि शुक्र अस्त है, शुक्र जब अस्त होगा, दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या भृगुड़ा बुधेन्द्र, जब शुक्र ही अस्त हो तो लव लाइफ क्या होगी? जीरो। तो महीने की शुरुआत में आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कमजोर तो रह सकता है। मंगल के कारण जीवन साथी के साथ वाद विवाद भी संभव है और ये मंगल की स्थिति आपके अंदर उत्तेजना और क्रोध भी दे सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और ब्लड प्रेशर की रेगुलर दवाइयां खाते हैं, तो आपसे मेरा आग्रह है कि बिल्कुल लापरवाही ना करें और अपने ब्लड प्रेशर का नियमित जांच करते रहें और बीपी को किसी कीमत पर बढ़ने ना दें, फ्लक्चुएट ना होने दें, इससे आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। और गलत व्यवहार के कारण क्रोध हो सकता है। तो 12 जुलाई तक आपको वैवाहिक जीवन में संभल कर ही चलना होगा, इसके बाद समय ठीक है। महीने के आखिरी दिनों में शुक्र पांचवें भाव में आएंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां कम होंगी। महीने के अंत में आप अपने जीवन साथी के नाम से या उनके सहयोग से गाड़ी या संपत्ति खरीद सकते हैं। बस करना आपको ये है कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र है, आप अगर पारिवारिक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको देखने में मिल रही है, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। इससे निश्चित रूप से पारिवारिक समरसता बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी बताएंगे वृषभ राशि के लिए कि कैसी उनकी पारिवारिक लाइफ रहेगी, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं पटना से, पूजा, उनसे सवाल ले लेते हैं। पूजा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे पूजा जी। पंडित जी, हम दो सवाल पूछना चाहते हैं, एक अपने बारे में, एक मेरे भाई के बारे में। तो मेरा प्रश्न है कि मेरा जन्म तिथि है 25 जुलाई 1996, मेरी जॉब कब तक लगेगी, टीचिंग का फॉर्म अप्लाई किए हैं उसमें, और मेरी शादी कब तक होगी, और मेरे भाई का लाइफ कैसा रहेगा, उसका जन्म तारीख है 13 जनवरी 2002, रात के 11:30 बजे, पॉलिटेक्निक कर रहा है, उसका सरकारी जॉब होगा कि प्राइवेट, उसका लाइफ कैसा रहेगा, क्या मांगलिक है क्या। चलिए पूजा जी, आपके पहले प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर आपके ये है कि आपके आजीविका के बारे में, आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध है और आपके प्रश्न लग्न का भी स्वामी बुध है, जो इस समय कर्क राशि में है और कर्क राशि में समरासिस्थ है।
अगर आप प्रयास करेंगी तो आपको सन 2026 तक टीचिंग की जॉब मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अब आप ये बात मेरी मत पकड़िएगा कि सरकारी मिलेगी कि प्राइवेट, क्योंकि टीचर को हमारे यहाँ नौकर की श्रेणी में शास्त्रों में नहीं रखा गया है, क्योंकि वो ज्ञानदाता है। ज्ञानदाता को नौकर की श्रेणी में नहीं रखा गया है, बल्कि उसे ज्ञानदाता को ज्ञानदाता की ही श्रेणी में अध्ययन किया जाता है। तो आप शिक्षक का कार्य करेंगी 2026 से, ऐसा एकदम प्रतीत हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, थोड़ा सा और तैयारी करिए। जहाँ तक आपने अपने छोटे भाई के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके चंद्रमा से तृतीय भाव का स्वामी बुध है, उससे आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति का इत साल हो रहा है, उसकी पढ़ाई ठीक चल रही है और वो कर्मठ भी है और कोशिश करेगा। अभी तो मतलब कि छोटा है, 22 साल का है, कोशिश करेगा तो 25वें साल तक उसकी बहुत अच्छी नौकरी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की कि क्या जुलाई में इनके परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे, क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ, कैसा रहेगा जुलाई महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन, ये जान लेते हैं। जुलाई के महीने में वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके कुटुंब भाव में अर्थात आपके परिवार भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति है और आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध तृतीय भाव में कर्क राशि में स्थित है। तो जुलाई के महीने में वृषभ राशि के जातक जो है उनका पारिवारिक जीवन निःसंदेह ठीक रहेगा। बृहस्पति के कारण आप में धैर्य बढ़ेगा, परिवार के लिए आप सही समय पर सही फैसले ले पाएंगे। लेकिन भैया एक बात तो है कि शनि देव की जो स्थिति आपके दशम भाव में है, इसके कारण परिवार से थोड़ा सा कटाव आप महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि दशम भाव में शनि आपके पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। एसिडिटी हो सकती है, नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है। अगर आपके पिता बुजुर्ग हैं तो, अगर युवा हैं तो कोई असर नहीं पड़ेगा। शुक्र आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि करेगा, इसमें डाउट नहीं है। बुध सूर्य और शुक्र के तीसरे भाव में एक साथ होने से भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। वृषभ राशि के जातक इस बात का ध्यान रखें कि अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर से कोई झूठा वादा न करें और कोई बात अपने जीवन की छिपाएं नहीं। क्योंकि देखिए, वैसे भी एक अगर ज्योतिष की बात न हो, धर्म की भी बात की जाए, तो जब विवाह होने लगता है तो उस समय एक अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की जाती है। प्रतिज्ञा ये की जाती है कि तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत, हमारा तुम्हारा चित्त एक होगा और हमारे तुम्हारे बीच में कोई गोपनीयता नहीं होगी, हमारे तुम्हारे बीच में किसी बात का छिपाव नहीं होगा। ये अग्नि के सामने पति पत्नी दोनों शपथ लेते हैं। तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत, मतलब मन, कर्म और वचन तीनों से हम एक जैसे ही रहेंगे, कोई बात हम आपसे नहीं छिपाएंगे, आप कोई बात हमसे नहीं छिपाएंगे, हम कोई आपसे मतलब कि मिथ्या प्रवचना नहीं करेंगे, आप मुझसे कोई मिथ्या प्रवचना नहीं करेंगे। तो इस तरह से झूठा कमिटमेंट करना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा करेंगे तो आपके रिश्ते से भरोसा खत्म हो जाएगा 19 जुलाई के बाद। देखिए, रिश्ते में भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। माता सीता का मायका जानते हैं कहां था? जनकपुर में। उनके पिता कौन थे? विदेहराज जनक, कितने बड़े राजा थे। और उनकी ससुराल अयोध्या, ससुर राजा दशरथ, कितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। सीता जी को यह भरोसा था कि जहां राम रहेंगे वहां मैं सुरक्षित हूं। तब सीता ने 14 साल तक कुछ कांटों पर चलने के लिए पति के साथ तैयार हो गई। आज शादी होने के एक साल बाद भी
पत्नी को ये विश्वास नहीं हो पाता है कि पति अगर अपने घर से बाहर किराए के मकान में ले जाके हमारे साथ रहेगा तो मैं रहूं कि ना रहूं। जब उसको विश्वास होगा तो जरूर चली जाएगी, विश्वास नहीं होगा, अगर पारिवारिक जनों का षड्यंत्र होगा कि इसको किसी तरह से घर से बाहर करो, तो कभी पैर न उठाएगी जाने के लिए। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है और परिवार में विश्वास की पूंजी सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को पति को अर्जित करना होता है कि वो अपने पत्नी के प्रति इस तरह का समर्पण और इस तरह का अपने हृदय से प्रेम दिखाए कि पत्नी को ये विश्वास हो जाए कि ये मेरे लिए सर्वस्व है। और ये बनावटी प्यार नहीं बल्कि मनसा वाचा कर्मा हृदय की बात टेलीपैथी हो जाती है एक दूसरे को। आप खूब मीठा मीठा बोलिए, आपके हृदय में सामने वाले के प्रति यदि दूषित विचार है तो सामने वाले को पता चल जाएगा, आप बोलिए या ना बोलिए। और आप कम बोलिए, टेढ़ा भी बोलिए, लेकिन अगर आपके हृदय में उसके लिए प्यार है तो आपकी टेढ़ी बात भी उसको नहीं लगेगी और आपकी मिठास उस तक पहुंच जाएगी। इसलिए हृदय की पवित्रता और हृदय का भाव दूसरे के हृदय को प्रभावित करता है, एकदम पक्की बात है। 19 जुलाई के बाद बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति रहेगी। आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे, संतान सुख मिलेगा, अविवाहित हैं तो शादी का योग बनेगा। अब बस करना आपको यह है कि अगर आप किसी देवी स्थान में जा सकते हैं तो शुक्रवार के दिन जाकर के लाल फूलों की माला चढ़ानी चाहिए, हो सके तो बर्फी का भोग लगाना चाहिए और हो सके तो एक नारियल शुक्रवार को देवी मंदिर में तोड़ना चाहिए। जिस भी मनोकामना से आप ये कार्य करेंगे वो मनोकामना आपकी सद्य पूर्ण होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे मिथुन राशि वालों के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राजकुमार मंडी से। राजकुमार, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे राजकुमार जी। मैं राजकुमारी मंडी हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। जी हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 1995। जी। तो उसकी शादी वगैरह होगी, कब होगी, या रिश्ता चल भी रहा है वो होगा या कहीं और होगा? और छोटी बेटी है जिसकी 12 नवंबर 1997 है, उसकी काके उसका भविष्य भी थोड़ा बता दीजिए। क्या है 12वें स्थान में? 26 मई 1912 में छोटी बेटी की बर्थ है जी। देखिए, आपके बड़ी बेटी के लिए तो मैं बता दे रहा हूं, उनके विवाह के लिए जो रिश्ता चल रहा है मुझे पूरी संभावना है कि विवाह वहीं सेट हो जाएगा, विवाह वहीं हो जाएगा। उसी रिश्ते पर आपको अपना प्रयास आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। चूंकि दूसरा प्रश्न आपका मैं सुन नहीं पाया हूं इसलिए उसका उत्तर नहीं दे सकता हूं, जब दूसरा प्रश्न फिर करिएगा तो जवाब हम आपको जरूर देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। जुलाई में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? जुलाई में किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे हो सकता है विवाद? कैसा रहेगा जुलाई महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन? आइए जानते हैं। जुलाई महीने में मिथुन राशि के जातकों को जान लीजिए कि महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र की स्थिति रहेगी और आपके व्यय भाव में 12वें स्थान में बृहस्पति रहेंगे पूरे महीने और आपके कुटुंब भाव में बुध की स्थिति है चंद्रमा के घर में। तो जुलाई महीने में मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल की स्थिति तो रहेगी, क्योंकि बुध जो है शत्रुग्रही है। चौथे भाव में केतु और 10वें भाव में राहु स्थित रहेंगे जिससे घर में कलेश बढ़ेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, घर के सदस्यों की एकता में भी कमी रहेगी। मंगल और बुध के कारण वाणी में भी कड़वाहट बढ़ेगी जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। तो आप कम से कम अगर मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको पूरे जुलाई महीने प्रयास करना चाहिए कि आप किसी के हृदय को बेधने वाली बात न बोलें, आप किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाली बात न बोलें। इससे क्या होगा, पारिवारिक सामंजस्य खराब होगा।
16 जुलाई को जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे आपके कुटुंब भाव में, तो परिवार का माहौल थोड़ा सा सुधरेगा। भाई बहन से आर्थिक मदद मिल सकती है, लेकिन अपने पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप विवाहित हैं तो एक तरफ आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, तो दूसरी तरफ घमंड और अहंकार का टकराव भी हो सकता है। अगर आप दोनों वर्किंग हैं तब तो आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका ईगो हर्ट हो और आप अपने पारिवारिक जीवन को जुलाई के महीने में डिस्टर्ब कर लें। इसलिए जैसे मुंह में दांत होता है, दांत से जीभ कट जाती है तो लोग दांत को नहीं तोड़ते हैं, उसी तरह से अपना परिवार दांत है और आप जीभ हैं। अगर दांत से जीभ कट जाए तो परिवार को उसके लिए पनिशमेंट या सजा नहीं दी जाती है, बल्कि उसे क्षमा किया जाता है। इस तरह से परिवार चलाया जाता है। जैसे मोती की माला पिरोई जाती है, उसी तरह से परिवार को सजो कर रखा जाता है। अगर एक मोती की माला टूट गई तो माला बिखरने में समय नहीं लगेगा। और आप जान लीजिए, चाहे आप जितना पैसा कमा लीजिए, चाहे आप जितने बड़े पद पर हो जाइए, चाहे जितनी बड़ी आप उपलब्धि अर्जित कर लीजिए, और चाहे जितना बड़ा ऐसो आराम की सुख सुविधा का साधन आपके पास हो, लेकिन अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, अगर आपके रिश्ते सही नहीं हैं, अगर आपका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है, तो विश्वास करिए आपके जीवन का मूल्यांकन जो होगा वो नकारात्मक ही होगा। कभी आप सफल जीवन के व्यक्ति नहीं माने जा सकते। सफल जीवन का व्यक्ति वही है जो चाहे नमक रोटी खाता हो, लेकिन उसके परिवार में समरसता हो, उसके परिवार में प्रेम हो, उसके परिवार में सौहार्द हो और उसके परिवार में एकता हो। सचमुच में सुखी जीवन उसी का है, क्योंकि भोग विलासिता से कभी किसी की तृप्ति नहीं हुई है। और ये संसार ही भोग विलासिता के चक्कर में पड़ करके भाग रहा है। तो चाहे अभाव की ही जिंदगी हो, लेकिन अगर परिवार में कुभाव न हो तो जीवन एकदम सही और सुरक्षित और व्यवस्थित होगा। आज रात हुई है तो कल दिन हो जाएगा, आज दिन हुआ है तो कल रात हो जाएगी। दुख सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव होती रहती है, सुख संपत्ति आती जाती रहती है, लेकिन पारिवारिक एकता बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां जिस परिवार में सुमति होती है वहां नाना प्रकार की संपत्तियां अपने पास होती हैं, और जहां कुमति होती है वहां विपत्तियों का पहाड़ होता है। इसलिए घर में कुमति का प्रवेश न होने दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, जुलाई के महीने में पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है, पंडित जी आपको बता रहे हैं। और वाकई हर कोई चाहता है कि उसका पारिवारिक जीवन अच्छे से बीते। आगे कर्क राशि वाले के बारे में बताएंगे पंडित जी, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं बिहार के समस्तीपुर से, पूनम। पूनम, आप अपने सवाल पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो पूनम जी। मैं 45 साल की हूँ पंडित जी। मेरा दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि मैं गांव में जहाँ रहती हूँ वहाँ से 1.5 किलोमीटर पे दूरी पे 4 कट्ठा मेरा जमीन है पंडित जी। तो उस जमीन पे भविष्य में अगर घर बनाना ठीक रहेगा, फलेगा फूलेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, कि कैसा क्या है उसका उपाय बता दीजिए। दूसरा प्रश्न पंडित जी, जो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने से भोला बाबा का शिवलिंग बना के घर में और खुद उनका दूध जल बिलपत्र से पूजा करूँ, अक्कल होकर उनका विसर्जन करूँ, तो पंडित जी कहाँ तक सही है? क्या मैं बना सकती हूँ, पूजा कर सकती हूँ पंडित जी? देखो पूनम, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि जो आपकी जमीन है उस पे आप निर्माण कार्य जब भी करना चाहें आप कर सकती हैं। वो आपके लिए सुखदायी होगा, आपके लिए अच्छा होगा, आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। जहाँ तक शिवलिंग बनाने की बात है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवलिंग आप घर में बना सकती हैं। दो प्रकार से शिवलिंग बनाने का विधान है। एक तो अगर आप शिववास देख करके शिवलिंग का बनाना शुरू करें
तो महीने में 8 से 9 दिन तक शिववास होता है, उस दिन आपको मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, उसका अभिषेक करना चाहिए और दूसरे दिन उसे कहीं जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर जल नहीं है तो घर में ही एक बड़ा सा टब रखें, उसमें पानी रख दें, शुद्ध जल रख दें और उसी में शिवलिंग को विसर्जित कर दें और नित्य उसकी जल से, दूध से, बेलपत्र से, गंगा जल से अभिषेक करें। इसमें कोई दोष नहीं है। नित्य पार्थिव पूजन या आप रोज अगर पार्थिव बनाना चाहते हैं तब आपको दोष नहीं लगेगा शिववास का। तब आप नित्य पार्थिव बना करके, नित्य अभिषेक करके और उनका हर प्रातः काल विसर्जन करें और दूसरा शिवलिंग आप बना लें। इस तरह का पार्थिव पूजन करने से निश्चित रूप से शिवलोक की प्राप्ति होती है, भगवान शिव की अपार कृपा बरसती है और ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के सुखों से युक्त रहता है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे व्यक्ति के परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कभी आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती है। भगवान शिव की आराधना करने से कुछ भी असंभव नहीं रहता है। कलयुग में आपने इतना बड़ा प्रश्न किया है कि आप रोज शिवार्चन करना चाहती हैं, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और माँ विन्यवासिनी से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी तरह से धर्म के मार्ग पर आप आगे चलती रहें, दूसरों को भी आपसे प्रेरणा मिले। जय माँ विन्यवासिनी। तो अब बात कर्क राशि वालों की। जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा और आइए इसके लिए जान लेते हैं। कर्क राशि में जुलाई के शुरुआत में बुध ग्रह गोचर कर रहा है। आपके कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य व्यय भाव में है तो जुलाई का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए न तो अच्छा है न तो खराब है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे सूर्य 17 जुलाई तक तो रहेगा वहीं पे, लेकिन 17 जुलाई के बाद जब इसकी ट्रांजिट बदलेगी तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। ऐसे ही 7 जुलाई के बाद परिवार के साथ लंबी यात्रा के योग भी बनेंगे। घर में कोई आयोजन हो सकता है, रिश्तेदारों से मिलने का योग बन सकता है। मंगल के कारण 12 जुलाई तक आपको कोई संपत्ति भी मिल सकती है जिसे आप खरीद सकते हैं। सूर्य और शुक्र के एक साथ होने से आपके पारिवारिक खर्चे तो बढ़ेंगे, खास करके पत्नी और पिता पर, पिता की दवाई पर और पत्नी के डिमांड पर, ये दोनों जगह आपके पैसे खर्च होंगे। लेकिन परिवार में सुख शांति अद्भुत रहेगी। 16 जुलाई से सूर्य के कर्क राशि में आने के कारण परिवार के लोगों के अहंकार टकराएंगे, ऐसे में संभल कर रहिएगा। भाई बहन को आपसे सहयोग मिलेगा लेकिन उसके मन में आपके लिए सम्मान और भरोसा नहीं होगा। कुछ पारिवारिक बातों के कारण आपको तनाव हो सकता है। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी कर्क राशि है तो मतलब कि जो मंगल की स्थिति है उसके आधार पर थोड़ा सा पिता का स्वभाव आपको परिवर्तित महसूस होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पिता के मन में कोई गलत विचार आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि पिता किसी न किसी टेंशन में है। वैवाहिक जीवन में कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो, क्योंकि चंद्र शनि की स्थिति में शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है जुलाई के शुरुआत में, तो कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय एक दूसरे की बात को समझने की जरूरत है, ससुराल पक्ष से भी अगर नई नई शादी हुई है तो कुछ तनाव हो सकता है। 16 जुलाई के बाद आपको किसी भी तरह के क्लेश से दूर रहना होगा। महीने का अंत वैवाहिक जीवन में सूझबूझ बढ़ाएगा। अविवाहित हैं तो शादी के लिए योग्य रिश्ता आ सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, देखिए, झुकेगा वही जिसमें कुछ जान होगी, अकड़ खास मुर्दों की पहचान होगी। वही आदमी झुकता है जिसके अंदर जान होती है, जो जिंदा होता है। मुर्दे का शरीर तो पूरा ऐंठ जाता है,
ना उसके हाथ मुड़ते हैं ना उसका पैर मुड़ता है। जो अहंकार से अपना गर्दन हर समय उठाए रहता है उसे आप मुर्दा ही मानिए, वो जीते जी मुर्दा के समान है। और जो ताकतवर होते हुए भी, सामर्थ्यवान होते हुए भी विनम्र है और जिसके अंदर झुकने की प्रवृत्ति है, आप विश्वास करिए वही जीवित है। इसलिए कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि भाई आप पूरे महीने सूर्य को अर्घ दीजिए और गायत्री मंत्र का जप करिए और विनम्रता अपने अंदर आभूषण की तरह धारण किए रहिए, विनम्रता एक मिनट के लिए भी मत छोड़िए। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि के मुताबिक आप सभी को जुलाई महीने में आपके पारिवारिक जीवन के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। मेष से लेकर कर्क राशि वालों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की कि सिंह राशि वालों की जुलाई में कैसी रहेगी मैरिड लाइफ और कैसा रहेगा इनका पारिवारिक जीवन, आइए ये जान लेते हैं। देखिए, अब सिंह राशि के जातकों की बात कर रहा हूं। सिंह राशि के जातक ये जान लें कि आपके कुटुंब भाव में तो पूरे महीने केतु की स्थिति रहेगी ही रहेगी, तो ऐसे में जुलाई का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जो जीवन है उसके लिए एक मिला जुला फल देने वाला है। हाँ, एक बात तो ये है कि पारिवारिक संपत्ति बढ़ सकती है, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकता है और पारिवारिक जीवन में आ रही समस्याओं में भी कमी आएगी। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। माता पिता परिवार के हित के लिए कोई महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला ले सकते हैं। 19 जुलाई को बुध आपकी ही राशि में अर्थात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, इससे आपको सभी का सहयोग मिलेगा। कारण, कुटुंब भाव का स्वामी जब आपके राशि में होगा तो सहयोग तो मिलेगा। बीच बीच में मुंह से निकली कड़वी बात क्लेश का कारण बन सकती है, इसीलिए हमारे यहां कहा गया है कि हिये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आन। कुछ बोलने के पहले सोचिए कि सामने वाले पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जरूर सोचिए कि इसका सामने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, लाठी की मार उतना दर्द नहीं करती है जितना बात की मार दर्द करती है। बाणी से जो चोट लगती है वो किसी लाठी डंडे से लगने वाली चोट से ज्यादा होती है, इसलिए बाणी से कभी किसी को आहत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बहुत दूरियां बन जाती हैं। परिवार के साथ विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, लेकिन अगर शादीशुदा हैं तो शनि के कारण मनमुटाव की भी स्थिति बन सकती है जो कि धैर्य और समझदारी के साथ ही दूर होगी। लव लाइफ की बात करूं तो अहंकार का टकराव संभव है, व्यर्थ की चिंताएं आ सकती हैं, ऐसे में बातचीत करके मामले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप शादीशुदा हैं और आप पति हैं तब मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे आपसे ये कहना है कि आपके सप्तम भाव में शनि है, आप सोच के देखिए क्या आप अपने पत्नी के प्रति पति धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। अगर हाँ तो आपका वैवाहिक जीवन सर्वोत्तम है, अगर नहीं तो आपके जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। और अगर आप महिला हैं और सिंह राशि की हैं तो जरा सा आप सोच कर देखिए क्या आप पत्नी धर्म का सम्यक रूप से निर्वहन कर रही हैं। अगर हाँ तो आपका परिवार में बहुत मान सम्मान होगा, पक्की बात है। अगर नहीं तो आप अंदर ही अंदर घुट रही होंगी। इसके लिए आपको चाहिए कि आप सूर्य को नित्य अर्घ दिया करिए और आंख बंद करके 2 मिनट ये सोचा करिए कि मैंने आज क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बात आपको मन में सोचना चाहिए, क्या काम भगवान के अनुकूल है और क्या काम भगवान के विपरीत है,
ये इस बात का भी आपको चिंतन मनन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी बताएंगे कन्या राशि वालों के बारे में कि उनका पारिवारिक जीवन कैसा बीतने वाला है, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं गोरखपुर से, सुधांशु। सुधांशु, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म 11 जुलाई 1999 को शाम को 4:30 बजे हुआ है। मेरे आपसे दो प्रश्न है। मैंने ग्रेजुएशन में BSc कम्प्लीट कर लिया मैथ से, मैं SSC और रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी के कब तक हो गए। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा मकान पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन लिंटर लगने में काफी परेशानी होती है, बार बार मिस्त्री आके घर से चले जाते हैं। मुझे अपने भविष्य के बारे में लेकर चिंता है। देखो बेटा, सही बात तो ये है कि नौकरी के लिए तो तुम्हारे कोई चिंता की बात मुझे बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मार्च 2025 तक या मार्च 2025 से कुछ आगे पीछे तक तुम्हें जो चाह रहे हो वैसी ही नौकरी मिलने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन ये संभावना परिणाम में बदल जाए इसके लिए तुम्हें चाहिए कि सायंकाल हनुमान जी के चित्र के सामने एक घी का दिया जलाकर और 100 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ कर दो। अगर 100 दिनों तक सुंदरकांड का आपने पाठ कर दिया और हनुमान जी के सामने तेल का दिया जलाकर गुड़ का भोग लगाकर या बतासा लड्डू का भोग लगाकर ये अनुष्ठान अगर आपने कर लिया तो आप पक्का मानिए पहली बार में आप सिलेक्ट हो जाएंगे। नौकरी आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, आपके मकान बनने में जो दिक्कत आ रही सुधांशु, उसके बारे में बताना चाहूँगा बेटा कि अभी आपका चतुर्थेश शुक्र अस्त है, जिसके कारण जिस भी ठेकेदार से आपकी बातचीत होती है वो अपने बात पर खरा नहीं उतरता है और डिले कर जाता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक नारियल घर में सायंकाल रख दीजिए निर्माणाधीन घर में, और सुबह उस नारियल को उठा करके ले जाइए और किसी हनुमान मंदिर में तोड़ दीजिए, और तोड़ करके वो नारियल को ले जाके किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। ये उपाय अगर आप कर लीजिए तो आपके घर में जो रुकावट आ रही है, जो बाधा आ रही है, उसमें मतलब कि काफ़ी हद तक जो है वो आपको समाधान मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति चतुर्थ भाव में इस बात का भी संकेत है कि नज़र लगने के कारण भी घर का निर्माण कार्य रुका हुआ है, तो इससे ये परेशानी दूर होगी और आपको राहत मिलेगी। ये मतलब अंधविश्वास नहीं है, नज़र किसी को भी लग सकती है, वो चाहे कोई अच्छी चीज़ हो चाहे कोई अच्छा व्यक्ति हो, तो बस ये उपाय कर लीजिए, आपको इसका समाधान मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या जुलाई में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ? क्या मिलेगी आपकी पैतृक संपत्ति? क्या बिगड़ेंगे रिश्ते या सुधर जाएंगे? क्या कहती है आपकी जुलाई महीने की पारिवारिक स्थिति? आइए जानते हैं। कन्या राशि में केतु की स्थिति है। कन्या राशि से द्वितीय भाव परिवार का भाव जो है उसका स्वामी शुक्र अस्त हुआ पड़ा है भाग्य स्थान में, तो कन्या राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए ये महीना तो अच्छा साबित होगा, क्योंकि शुक्र महीने की शुरुआत में सूर्य के साथ दशम भाव में स्थित है। पैतृक कारोबार में वृद्धि होगी, अपनों का सहयोग मिलेगा और मुनाफा बढ़ेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर होने से आप अच्छे फैसले लेंगे और अपने परिवार के साथ दान पुण्य करेंगे, इससे आपके परिवार को सम्मान मिलेगा। परिवार की सहायता से आपकी आर्थिक तरक्की के योग बनेंगे, लेकिन मंगल के कारण परिवार में अचानक कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे अशांति फैलेगी। हालांकि 12 जुलाई के बाद ये समस्या हल हो जाएगी। महीने के मध्य में पारिवारिक संपत्ति बढ़ सकती है। भाई बहनों से दूरी बनी हुई थी तो उसमें इस महीने बदलाव आएगा। आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा का योग बन रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप कन्या राशि के हैं तो किसी तरह के एडिक्शन से
किसी तरह के नशा से, किसी तरह की बुरी आदत से बिल्कुल दूरी बनाकर रखिएगा, वरना ये महीना आपके लिए मुसीबत का समय होगा। और अगर आपने दूरी बनाई, आपने अपने विल पावर को मजबूत किया, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन शनि और मंगल जैसे ग्रह आप दोनों के व्यवहार के नकारात्मक पक्ष को बढ़ा सकते हैं, इसलिए ऐसे में आप दोनों को अपनी सेहत और अपने व्यवहार की संभावनाओं को संभालना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र है। आपको आधा किलो दही और आधा किलो चीनी पूरे जुलाई महीने में जितने भी शुक्रवार आए, हर शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की कि जुलाई का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जुलाई के महीने में तुला राशि के जो जातक हैं उनका पारिवारिक जीवन निःसंदेह ठीक रहेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल है। मंगल की स्थिति महीने की शुरुआत में मेष राशि में है। मेष राशि में बैठा हुआ मंगल वृश्चिक राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जब कुटुंब भाव को कुटुंबेश देखेगा तो परिवार का माहौल तो ठीक रहेगा ना। तो आप अपने परिवार को संभालने में अहम भूमिका निभाएंगे, बड़ी खुशी की बात है ये। लेकिन इस समय आपको अपनी भावनाओं पर और शब्दों के चयन का ध्यान रखना होगा। गुस्से में आकर के कोई गलत बात न बोलें, वरना बेवजह परिवार का माहौल खराब हो जाएगा। गुरु आपके परिवार में सुख शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन शनि के कारण आपकी मां के व्यवहार और सेहत में बार बार उतार चढ़ाव आएगा। देखिए, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे मुखिया कैसा होना चाहिए, जैसे शरीर में मुंह होता है, मुंह जो है सभी अंगों का ध्यान रखता है। जैसे डायबिटीज है अगर तो मुंह चीनी नहीं खाएगा, ब्लड प्रेशर है तो मुंह नमक नहीं खाएगा, एसिडिटी है तो मुंह कोई खट्टी चीज नहीं खाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो तेल घी की चीजें नहीं खाएगा। तो मुखिया मुखसो चाहिए, घर का जो मुखिया हो उसको मुंह की तरह होना चाहिए, जो अंग प्रत्यंग अपने घर के छोटे शिशु से लेकर बुजुर्ग तक के हित के बारे में सोचे और छोटे शिशु को कैसे आनंद मिलेगा और बुजुर्ग को कैसे मतलब कि संभाला जाएगा, इसकी चिंता करे। मुखिया ऐसा होना चाहिए। और अगर आपकी तुला राशि है तो आपको भी इसी समझदारी के साथ जीवन जीना चाहिए। पिता के साथ बातचीत में धैर्य रखनी चाहिए, भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, ससुराल पक्ष के लोगों से आपसे मिलना जुलना होगा, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श हो सकता है। लेकिन मंगल के कारण ससुराल पक्ष से रिश्ते बिगड़ने के योग हैं। आप बहुत अपनों पर भरोसा रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जुलाई में आप अपने परिवार के लिए कुछ मुश्किल और कठोर फैसले ले सकते हैं। आपको चाहिए कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और अगर संभव हो तो मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर के लड्डू और तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ाएं और उसे घर वालों में वितरित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि जुलाई में मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जुलाई में किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे हो सकता है विवाद, कैसा रहेगा जुलाई महीने में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आइए जानते हैं। देखिए,
देखिए जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे महीने बृहस्पति आपके सातवें भाव में रहेंगे जो आपके कुटुंब भाव के स्वामी हैं। तो जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला रहेगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब कुटुंब भाव का स्वामी अपने भाव से छठा होगा तो अच्छा नहीं हो सकता। भाई बहनों को एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा, हालांकि उनको किसी बात का तनाव भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। विवाहित हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ अहम भूमिका में रहेंगे। सूर्य के आठवें भाव में आने से आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा। 16 जुलाई के बाद पिता की सेहत में सुधार होगा। शनि के कारण कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे जिससे परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। शादीशुदा लोगों के लिए जुलाई का महीना ठीक है। महीने की शुरुआत में कुछ मनमुटाव होगा, लेकिन बातचीत करके स्थिति को ठीक किया जा सकता है। 12 जुलाई के बाद जब मंगल का ट्रांजिट बदलेगा तो आपको अपने जीवन साथी पर ध्यान देना होगा। इस समय अपने रिश्ते में अहंकार न आने दें। अगर अभी आप अविवाहित हैं और किसी के साथ रिश्ते में हैं तो आपकी बातों से उनको तकलीफ हो सकती है, गलतफहमी भी बढ़ सकती है। इस महीने अविवाहित लोगों की शादी के प्रबल योग बने हुए हैं। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कन्या हैं और विवाह के योग्य हैं तो आपको नित्य केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना चाहिए और एक दिया केले के पेड़ के पास जलाना चाहिए और ये सब उपाय पीले कपड़े पहन के करना चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो आपको रोज राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। इससे आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। जुलाई महीने में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुख से बीतेगा या मुश्किलों से? साथ ही इस महीने किस सदस्य से मिल सकता है साथ और किससे हो सकता है विवाद? क्या कहता है इनका पारिवारिक जीवन? आइए जान लेते हैं। जुलाई के महीने में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सप्तम भाव में जुलाई के शुरुआत में सूर्य शुक्र की स्थिति है और आपके कुटुंब भाव का स्वामी शनि तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तो भैया देखिए, ऐसा है कि कुटुंबेश का कुटुंब भाव से द्वादशस्थ होना इस बात का संकेत है कि पारिवारिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। शनि के तीसरे भाव में होने से आपकी बचत भाई बहनों पर खर्च हो सकती है, उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आर्थिक चुनौतियां पारिवारिक रूप से आपको परेशान कर सकती हैं। परिवार की आमदनी में थोड़ी कमी आ सकती है। चौथे भाव में राहु और बृहस्पति होने से मां का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बुध के कारण पिता की सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन 19 जुलाई के बाद परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार आएगा। इस महीने परिवार में सुख शांति लाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो बुध के कारण आपको कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। जीवन साथी से किसी बात पर टकराव भी हो सकता है। 19 जुलाई के बाद आप अपने जीवन साथी को भरपूर समय देंगे, लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। रिश्तों को चुनते समय जल्दबाजी ना दिखाएं, वरना काम बिगड़ सकते हैं। अपने क्रोध पर पूरे महीने काबू रखें, नमः शिवाय का निरंतर जप करें, क्रोध आने पर जोर जोर से सीताराम सीताराम बोलें। चाहे जितना किसी को क्रोध हो,
अगर 5 बार चिल्लाकर सीताराम कह दे तो मैं दावे के साथ कहता हूं प्रलयंकारी क्रोध भी होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। 5 बार सीताराम 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 बोलने पर चाहे जितना ज्यादा क्रोध होगा नॉर्मल हो जाएगा। अपने क्रोध पर काबू रखिए, क्योंकि क्रोध जो है अपना ही नुकसान करता है। क्रोध जब होता है तो आदमी की बुद्धि जो है वो तुरंत नष्ट हो जाती है, और क्रोधी व्यक्ति केवल दूसरों को ही नहीं नुकसान पहुंचाता, अपने को भी नुकसान पहुंचा लेता है। जितने लोग आत्महत्या करते हैं वो लोग क्रोध और आवेश में ही आकर के करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए अगर क्रोध आ रहा हो तो अपना आत्मिक चिंतन करना शुरू कर देना चाहिए, और रोज सुबह प्रतिज्ञा करना चाहिए कि आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पूरे दिन विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी क्रोध नहीं करूंगा। रोज प्रतिज्ञा करनी चाहिए, और शाम को आंख बंद करके सोने के पहले सोचना चाहिए कि क्या मैंने अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया। जीवन साथी चुनते समय दूसरों की सलाह पर भी ध्यान देना चाहिए, और आपको चाहिए कि आप शनिवार को शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को खाने के लिए कुछ जरूर दें, इससे आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। क्या जुलाई में मकर राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा जुलाई महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन? आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी कुटुंब भाव में शनि देव पूरे महीने विराजमान रहेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके कुटुंब भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि के बारे में अगर विचार किया जाए तो किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है। तो जुलाई के महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन मिला जुला रह सकता है। शनि देव के प्रभाव के कारण आपके घर में कुछ ऐसी बात होगी जो सच होगी लेकिन अपनों को बहुत चोट पहुंचाएगी। इस महीने आपको अपनी मां की सेहत का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उनके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। पैतृक संपत्ति के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। पैतृक जमीन पर मकान बनवाएंगे या मकान है तो उसका रेनोवेशन करवाएंगे। विवाहित हैं तो बुध की कृपा से आपके बीच प्यार बढ़ेगा। अपने रिश्ते में ईमानदारी सच्चाई रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस महीने मनचाहे व्यक्ति से रिश्ता जुड़ने के योग हैं। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है। बस आपको हनुमान जी की उपासना करते रहना चाहिए और शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं। कुंभ राशि से कुटुंब भाव में अगर देखा जाए तो राहु की स्थिति है, पूरे महीने ये स्थिति रहेगी भी। और अगर कुटुंब भावेश को देखा जाए तो बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में चतुर्थ स्थान में है। तो जुलाई का महीना कुंभ राशि के पारिवारिक जीवन के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। क्योंकि भाई एक बात पक्की है कि राहु जब द्वितीय भाव में होता है तो ऐसे लोगों के मुंह से निकलने वाली बात तीर की तरह होती है, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आने की संभावना बढ़ जाती है। दिल से किसी के लिए बुरा ना सोचे। मंगल पर शनि का प्रभाव होने के कारण पिता से किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। 16 जुलाई के बाद भाई बहन से भी विवाद हो सकता है, लेकिन महीने के अंत में रिश्तों में सुधार आएगा। शनि वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होगा। अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। महीने के अंत में
आपका प्यार शादी का रूप ले सकता है, लेकिन शनि के कारण विवाहित लोगों को अपने रिश्ते पर ज्यादा ध्यान देना होगा। 7 तरह का अनाज और 1-3 मीटर नीला कपड़ा शनिवार को किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता रांची के रहने वाले हैं सुनील कुमार, और ये हमारे साथ डेट ऑफ बर्थ बताओ इनका मौजूद हैं। और मैं पंडित जी को इनका डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। सुनील हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए, आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। सुनील पंडित जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1982 जी। कितने बजे? इनका जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे है। और ये छत्तीसगढ़ के कोरबा में जन्म लिया है। जी जी। तो सुनील अब अपने सवाल पूछ सकते हैं आप। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहे सुनील जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो मैं अपनी नौकरी एवं स्थान में परिवर्तन की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कब तक होगा? और दूसरा प्रश्न ये है कि मैं कई वर्षों से अपना स्थायी घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई भी प्लान सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा, तो क्या भविष्य में मैं देहरादून या ऋषिकेश में घर बना के सेटल हो पाऊंगा? देखो ऐसा है बेटा, आप मकर लग्न में पैदा हुए हो, आपकी मीन राशि है और इस समय चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा आपके कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है, शनि से दृष्ट है। समय पिछले लगभग 12 महीने से आपके अनुकूल नहीं चल रहा है। जो आप सोच रहे हो उसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन रही हैं। और ये समय 2 नवंबर 2024 तक है। 2 नवंबर 2024 के बाद जैसे आप चाहेंगे वैसे आपके जीवन में कार्य परिणाम के रूप में परिवर्तित होगा, लेकिन अभी आपको 2 नवंबर 2024 तक जहां जैसे जिस स्थिति में हैं वहीं रहना चाहिए। जहां तक मकान बनाने का प्रश्न है तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि आपके भवन भाव का स्वामी मंगल आपके भाग्य स्थान में है। ऐसे लोग घर से हट करके मकान बना सकते हैं, लेकिन अभी मकान बनाने का योग नहीं है। जब आपकी मंगल की दशा शुरू होगी तब आप मकान बनाएंगे तो आसानी से मकान भी बन जाएगा और आपके जीवन पर कोई तनाव भी नहीं आएगा। और ये मंगल की दशा आपकी शुरू होगी 2 जनवरी 2029 के बाद। 2 जनवरी 2029 के बाद अगर आप मकान बनाना चाहेंगे, चाहे जहां बनाना चाहेंगे, तो आपको बहुत आसानी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं दीपक सांबली से। दीपक आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ दीपक जी। नमस्कार गुरु जी। हाँ सदा सुखी रहिए जी। मैं सांबली से बात कर रहा हूँ और मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना था पंडित जी कुछ। चलो कितने साल के हो बेटा? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 2004 जी। हाँ जी। कब तक नौकरी लग जाएगी, कब तक? और मेरा दिल्ली का जन्म है जी, मीत नगर का। चलो द्वितीय सप्तमेश मंगल और बुध है बेटा। अभी इनकी स्थिति चतुर्थ दशम है, बृहस्पति के साथ इत्तेसाल नहीं है। आपकी नौकरी लगने में अभी 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। तब तक जो भी पढ़ाई आप किए हैं उसी को रिवाइज करते रहिए। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल विराम मत दीजिए, अपनी पढ़ाई की गति को जारी रखिए। अभी आपको नौकरी मिलने में मार्च 2025 तक का समय लग सकता है और आपको नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ एक बात इतना जरूर है कि अगर आप नित्य हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का संयुक्त रूप से पाठ करना शुरू कर दें तो इसका लाभ आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। जुलाई में मीन राशि वालों के पारिवारिक विवाद सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? जुलाई में पार्टनर का सहयोग मिलेगा या गलत फहमियां बढ़ेगी? कैसा रहेगा मीन राशि वालों का जुलाई महीने की फैमिली भविष्यवाणी, आइए जान लेते हैं। भाई जुलाई में मीन राशि वालों का जो पारिवारिक जीवन का मूल्यांकन करना होगा उसमें राहु को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। परिवार में मामूली झगड़े हो सकते हैं लेकिन इसका असर आपके रिश्तों पर नहीं पड़ेगा।
कोई अनबन है तो बैठकर बात करके सुलझाएं और विवाद को बढ़ने ना दें। चौथे भाव में सूर्य और शुक्र के होने से आपके परिवार का सम्मान बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसी तरह का संपत्ति विवाद भी होने का योग है। आपको इस महीने अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखना होगा, भाई बहन से संबंध अच्छे रहेंगे। जुलाई महीने में शादीशुदा जीवन में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, आप अपने पार्टनर पर शक भी कर सकते हैं। आपके मन में कोई बात है तो अपने पार्टनर से आप उसे साझा कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको रोज ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करना चाहिए, इससे आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं कि पंडित जी आपने जैसे आज हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, आगे भी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और दर्शकों को भी मुझे उम्मीद है कि हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर पंडित सुरेश पांडे जी आएंगे और आपको सारी परेशानियों के लिए अलग अलग उपाय बताएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।